रूस और भारत की ऐसी दोस्ती जो विश्व के लिए नजीर है और इस रिश्तों के निभाने की परंपरा को एक सूत्र में बांधे रखने वाले शख्स का नाम है डॉक्टर रामेश्वर सिंह। आज रूस की वरिष्ठ पत्रकार और संस्थापक एवं अध्यक्ष रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा मास्को डॉक्टर रामेश्वर सिंह का 60वां जन्मदिन है। इसके लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और उनके जीवन वृत्त पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। 21 जून 1961 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सुल्तानपुर के एक गांव सहतपुर में डॉक्टर रामेश्वर सिंह का जन्म हुआ। किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर रामेश्वर ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा रुपाईपुर और कलान से सन 1980 में पूरी की। इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डिग्री की पढ़ाई शुरू की। जेएनयू में इन्होंने अपने छात्र जीवन में तमाम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और छात्र नेता के रूप में इनकी एक अलग ही पहचान बन गई। इसके बाद इन्होंने सन 1982 में उच्च पढ़ाई के लिए रूस की राजधानी मास्को का रुख किया और यहाँ के प्रसिद्ध रूस की पीपुल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी एवं मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी से भाषा शास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री की पढ़ाई पूरी की। ऐसे तो इनका जीवन सादा था, लेकिन इनके उच्च विचारों में भारत और रूस के संबंधों की मजबूती के विषय प्रमुखता से छाए रहे। इनको ऐसे एक मंच की तलाश थी जिसके जरिए ये भारत और रूस दोनों देशों के नागरिकों के आपसी भाईचारे का अनुभव कर उसको मजबूती प्रदान कर सके। इसके लिए इन्होंने तमाम सार्थक प्रयास किए। सन 1989 में श्रीमती नादेजदा से इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और इंडो रशियन दोस्ती के लिए सांस्कृतिक एकता प्रशस्त की गई। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है जो भारतीय और रूसी संस्कारों के महान मूल्यों को अपने व्यक्तित्व में समेटे हुए हैं। ये कई वर्षों तक हिंदुस्तानी समाज के मंच से उपाध्यक्ष पद और सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी जुड़े रहे। सन 2010 में इन्होंने रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से इन्होंने वे सब प्रयास बखूबी किए जो अपने जीवन में रूस और भारत के बारे में इन्होंने सोच रखे थे। इन्होंने दिशा नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ करके अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान और विकास का जिम्मा पूरा किया। इनकी संस्था दिशा ने न सिर्फ भारतीय राजदूतावास और जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के साथ मिलकर अनेक कार्यों में सहयोग किया, बल्कि अन्य साहित्यिक संस्थाओं के साथ मिलकर साहित्यिक गोष्ठियों का सफल आयोजन भी किया है। इसके साथ ही दिशा और इंडियन फिल्म्स ने मिलकर प्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी भाग लिया है। दिशा संस्था रूस व भारत के कई बड़े शहरों में अपनी शाखाएं खोलकर लोगों को जोड़कर रूसी भारतीय एकता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डॉक्टर रामेश्वर के निर्देशन में दिशा संस्था द्वारा पद्मश्री गेनादी पेशनिकोव की स्मृति में रूसी रामलीला का पुनः मंचन प्रारंभ किया गया और 4 नवंबर 2018 को अयोध्या शोध संस्थान की सहायता से दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इन्हें दीपोत्सव सम्मान 2018 भी प्रदान किया गया। इसके अलावा डॉक्टर रामेश्वर को मॉरिशस में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में इन्हें व इनकी पत्नी श्रीमती नादेजदा को प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर रामेश्वर सिंह को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने अप्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया। इनके द्वारा जनवरी 2019 में इलाहाबाद में महाकुंभ के अवसर पर एक बार फिर रूसी रामलीला का मंचन किया गया। सन 2018 में रशियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने डॉक्टर रामेश्वर सिंह को सदस्यता देकर अलंकृत भी किया। हरियाणा के हिसार में पैट्रियोटिक इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डॉक्टर रामेश्वर और इनकी पत्नी श्रीमती नादेजदा सिंह ने बतौर अप्रवासी भारतीय मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया तथा डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने 2 रूसी फिल्मों को भी प्रस्तुति के लिए भेंट दिया। डॉक्टर रामेश्वर सिंह व उनकी पत्नी को 26 जनवरी
2019 की राष्ट्रीय परेड के लिए अप्रवासी भारतीय दर्शक के रूप में भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। रूसी भारतीय मैत्री संघ द्वारा 15 अगस्त 2019 से रूसी भारतीय दिशा न्यूज पोर्टल का संचालन कर रही है, जिसके द्वारा भारत और रूस के आपसी रिश्ते प्रगाढ़ता को विजुअल माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। आज डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने अपने जीवन के 60 साल पूरे कर लिए हैं। आइए हम सब मिलकर उनके इस विशाल व्यक्तित्व को सलाम करें और उन्हें हृदय से उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करें।